पोको M2 Pro, इस फ़ोन को आने में 20 दिन लग गए हैं ऑलमोस्ट। 14 जुलाई जब इसका फर्स्ट सेल था तब मैंने इसको ऑर्डर किया था, एंड ऑनेस्टली इतना ज़्यादा लेट हो गया है ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इस फ़ोन का रिव्यू करूं, लेकिन आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट और इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार पोको के बारे में कुछ बताओ, इस फ़ोन का कुछ रिव्यू वगैरह करो, तो मैंने सोचा कि कर देते हैं। बट ऑनेस्टली मैं पोको से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई इस चीज़ को लेके कि यार एक तो जितने भी बंदों ने फर्स्ट सेल में ऑर्डर किया था उनको इतना लेट डिवाइसेस मिले हैं, और दूसरी सेल जो थी वो भी इतनी ज़्यादा लेट रखी है। तो ओवरऑल जो पोको की ये सर्विस है ना, ये मुझे बहुत ही वियर्ड लगी है, तो ये एक चीज़ है। बट हाँ, रिव्यू के बीच में हम इन सब चीज़ों को नहीं लाएंगे, इनको साइड में रखते हैं और सीधा बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि आखिर मेरे क्या ओपिनियन से, मेरा क्या व्यू पॉइंट है इस फ़ोन को लेके, सबके बारे में एकदम डिटेल में बात की जाएगी। सो बिना कोई डेविज के शुरू करते हैं इस वीडियो को इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स के अंदर तो आप लोगों को वही कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, एक सिम इजेक्टर पिन दिया हुआ है एंड एक प्रोटेक्टिव केस भी देखने को मिल जाता है। देन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टाइप सी केबल दी हुई है एंड एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यार देखो, फोन के ऊपर तो मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन ये जो चार्जर है इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन चाइना। और दूसरी चीज ये है कि यार ये वैसे पोको का खुद का चार्जर है भी नहीं, ये MI का चार्जर है। तो बस ये एक चीज है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो वेरियंट है ये एक्चुअली में 6GB 64GB वाला वेरियंट है, जो कि 15,000 की प्राइस में देखने को मिलता है। एंड सरप्राइजिंगली जब मैं परचेज करने गई थी, देखो तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं 14,000 वाला ही लेना चाहती थी, जहाँ पे 4GB 64GB वेरिएंट देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक ये जो 14,000 वाला वेरिएंट है किसी भी सेल में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। पोको ने इसको लॉन्च तो किया है बट मुझे पता नहीं है कि कब जाके हमें सेल पर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप लोग लेने का सोच रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी शायद 15,000 वाला ही एक वेरियंट है जो कम प्राइस में देखने मिलेगा। बट खैर कुछ भी है, मुझे इस फोन की पोको के जितने भी फोन आते हैं मुझे एक चीज क्या अच्छी लगती है ना इनकी, कि इनका जो UI होता है और ये जो पोको लॉन्चर के साथ आता है ये मुझे अच्छा लगता है। कि जो Redmi के स्मार्टफोन्स या फिर जो Xiaomi के फोन्स आते हैं यहाँ पर काफी सारे एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इस फ़ोन में एड्स नहीं होते हैं, जो मुझे सही चीज़ लगती है। बट हाँ, ब्लॉटवेयर और प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस तो देखो यार आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और स्पेशली ये बता दूँ आप लोगों को कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जिन एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ है, हेलो और ये क्लीन मास्टर जैसी एप्लीकेशंस, ये अभी तक इस फ़ोन में है। मुझे नहीं पता यार कि मेरे पास ये फ़ोन 20 दिन के बाद आया है और इसमें एक सिक्योरिटी अपडेट भी आया हुआ था, उसको अपडेट करने के बाद भी ये चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर रखी हुई है। ऑल्दो पोको ने एक नोटिस जारी करके हमें बोला था कि ये चीज़ें बहुत ही जल्द रिजॉल्व हो जाएंगी, आई डोंट नो कब तक होंगी, लेकिन अगर आप लोग इस डिवाइस को परचेस करने का सोच रहे हो तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि हेलो और क्लीन मास्टर जो कि इंडिया में बैंड एप्लीकेशंस है, ये इस फ़ोन के अंदर अभी भी देखने को मिल रही है। खैर अभी आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी ऑसन को, जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। तो बेसिकली बता देती हूँ, ऑसन एक रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने किसी भी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस में रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, और ये सबके साथ कंपैटिबल है, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो, मैक, iOS या फिर एंड्रॉइड पर ही क्यों ना हो। एंड सेटअप करना भी बहुत ही ज्यादा ईजी है, बस फ्यू स्टेप्स में आप उसको सेटअप कर लोगे। और जब आप अपने डिवाइस को रिमोटली अगर आप अपने स्मार्टफोन में यूज करते हो ना, तो आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, माउस कर्सर तक का आपको यहां पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है इसका। बाकी अगर आपको इसके एडवांस फीचर्स भी चाहिए, जैसे कि आप अपनी गेमिंग को भी रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन में, देन आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसका एडवांस या फिर प्रो वर्जन परचेस करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा इसमें आपको मिररिंग जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपने एक डिवाइस को
दूसरे डिवाइस में मिरर करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फ़ोन है या फिर टैबलेट है तो आप उसको मिरर करके रख सकते हो अपने डेस्कटॉप में, तो ये भी एक काफ़ी सही फीचर है। बाकी अगर आपको ऑसन यूज़ करना है या फिर इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारे यूजफुल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खैर, एक चीज़ है जो मुझे इस फ़ोन की सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो है इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी। और देखो, ये मैं ऐवे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस यूज़ किया है और उससे जब मैं इसमें स्विच हुई हूँ तब से यार जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि इस फ़ोन को हाथ में पकड़ते ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली इनहैंड फील आई है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये डिवाइस मुझे लग रहा है और ओवरऑल मैं बताना चाहूँगी कि ये आपको हाथ में ना काफ़ी क्लासी फील करवाने वाला है। यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी हुई है तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है आई गेस। बट अगर आप इसको बिना कवर के यूज़ करते हो ना तो बता देती हूँ काफ़ी ज़्यादा स्मर्जेस वगैरह आपको यहाँ पीछे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इस फ़ोन को यूज़ करना चाहते हो तो बेटर है कि पीछे आप अच्छा सा कवर वगैरह यूज़ करो। बाकी वैसे बता देती हूँ कि फ़ोन में फ्रंट की तरफ भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, वाइडवाइन लाइसेंस L1 का सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, चाहे आप कलर्स की बात कर लो, ब्राइटनेस की बात कर लो, मुझे हर चीज़ में अच्छी लगी है। एंड यार वैसे भी पोको के स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले तो हमें यूजुअली अच्छी देखने को मिली जाती है, बट मुझे क्या चीज़ सबसे सही लगी है ना कि बेजल्स काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, ऊपर से जो पंच होल है वो भी सेंटर में अलाइंड है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट चीज़ है कि पंच होल जब भी सेंटर में होता है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू जब पंच होल साइड में दिया होता है। बट बाय द वे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको पंच होल साइड में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ यार, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद आता है देन मेक श्योर कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। बट यार आप कुछ भी बोल लो, इस फ़ोन को देख के ना मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई हूँ, क्योंकि यार मुझे वो नई वाली फीलिंग आई नहीं रही है इस फ़ोन से। बार बार जब मैं इस फ़ोन को देख रही हूँ ना, ये मुझे हर बार Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9 Pro वाली फील दे रहा है। क्योंकि हो ना हो, आप खुद देख लो ना यार, पीछे की तरफ से जो कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है, जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ओवरऑल जिस तरह के लुक्स इस फ़ोन के देखने को मिल रहे हैं, इससे आप खुद बोल सकते हो कि ये उन्हीं दोनों फ़ोन का मिला जुला सा कॉम्बिनेशन है। और मुझे एक चीज़ ऑनेस्टली समझ में नहीं आती है, ये जो कंपनीज जो रीब्रांडेड वाली थ्योरीज अपनाती है ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मुझे सबसे बकवास चीज़ लगती है। ऑल्दो मैं ये खुद मानना चाहूँगी कि पोको ने जिस प्राइस रेंज में जिन फीचर्स के साथ इस फ़ोन को लॉन्च किया है ना, अभी तक उस हिसाब से मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, बट मुझे प्रॉब्लम है इस रीब्रांडेड वाली थ्योरी से। एंड यार वैसे भी पोको अगर खुद को अलग इंडिपेंडेंट ब्रांड अगर बुलाता है तो डेफिनेटली उनको एक अलग यूनिक स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए था, ना कि अपनी सिस्टर कंपनीज वाला वैसा ही रीब्रांडेड स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए था। और आई गेस अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है ना कि जो पोको ने पोको F1 लॉन्च किया था ना, जो कि इतना ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहा था, कहीं ना कहीं उसी का फ़ायदा उठाते हुए पोको अभी तक रेडमी के स्मार्टफोन्स को रिब्रांड करके अपने अंडर लॉन्च करते हुए जा रहा है और उसी के नाम से बस अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगती है पोको ब्रांडिंग की। बट खैर जो भी हो यार, परफॉर्मेंस वाइज अगर बात की जाए ना, तो मार्केट में इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आप लोग अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दे रखा है। गेमिंग की अगर बात की जाए ना, तो एज सच मैंने इतना ज़्यादा गेम तो अभी तक इस फोन में खेले नहीं है, तो फोन हीट करता है या फिर नहीं ये तो आई गेस मैं आप लोगों को इस फोन के डिटेल रिव्यू में ही बता पाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि अगर पबजी वगैरह खेलते हो ना, तो मैक्सिमम HD ग्राफिक्स हाई फ्रेम रेट में अभी फिलहाल आपको इसमें खेलने का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर एंटूतु स्कोर्स थोड़े बताऊँ तो 273,000 के आसपास आते हैं। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है यार, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं तो सोचा इसलिए बता देती हूँ। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं इस फ़ोन के अंदर जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, पर्टिकुलरली पोको, शाओमी और रेडमी, ये तीनों सिस्टर कंपनीज ही है। तो इनके फ़ोन में क्या अच्छा होता है ना कि IR ब्लास्टर भी देते हैं, जिसको आप रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकते
सकते हो और ये काफ़ी यूज़फुल होता है यार, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, यानी कि आप अलग से SD कार्ड भी लगा सकते हो, जो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है। बट एनीवेज, अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए वन ऑफ द मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर के बारे में जो होते हैं फ़ोन के कैमरास, तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कैमरा बम्पी है और मुझे लगता है ये आजकल की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, जहाँ पर 48-64 मेगापिक्सल जैसे कैमरास देखने को मिलते हैं। बट फिर भी यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लेंस दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया हुआ है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया हुआ है। और कैमरा की परफॉर्मेंस मैं बोलूँगी अभी तक मैंने जितने फ़ोटोज़ वगैरह निकाले हैं मुझे फ़ोटोज़ ठीक लगे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि फ़ोटोज़ को थोड़ा ओवर सैचुरेट कर देता है, स्पेशली ह्यूमन स्किन टोन को। ऑल दो कैमरा के बारे में यानी कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के बारे में मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी जब मैं इस फ़ोन का डिटेल वीडियो बनाऊँगी, तो उसका ज़रूर से वेट करिएगा। लेकिन एक चीज़ है यार कि इस फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। जब से मुझे ये चीज़ पता लगी थी ना कि 14,000 की प्राइस में 5,000 mAh की बैटरी विथ 33 W फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा, मैं उसी दिन इस फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट से इम्प्रेस हो गई थी। ऑल दो ये 33 W का फास्ट चार्जर इस 5,000 mAh की बैटरी को कितनी देर में एक्चुअली में चार्ज कर देगा और कितना लंबा ये बैटरी बैकअप दे देगी ये तो आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा। बट फिर भी अगर मैं आप लोगों को अपना ओवरऑल ओपिनियन यहाँ पर दूँ तो यार देखो, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशंस बैन करी थी हेलो और क्लीन मास्टर जैसी, वो अभी भी इस फ़ोन के अंदर है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से आप इस चीज़ को ज़रूर से कंसिडर करना अगर आप इस फ़ोन को परचेस करने का सोच रहे हो तो। बाकी अदर देन दैट मैंने इस फ़ोन को अभी तक जितना यूज़ किया है फीचर्स के हिसाब से मुझे ये स्मार्टफोन काफ़ी सही लगा है। बट फिर भी मेरी तरफ से आप लोगों को ओपिनियन है या फिर सजेशन आप ले लो इसको कि इस फ़ोन का डिटेल रिव्यू बहुत ही जल्द अपलोड होगा, उसको देख के अगर आप अपना डिसीजन बनाते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।